मणिपुर की कल्पना मणिपुर के लोगों से होता है, मणिपुर की कल्पना वहाँ के आदिवासी समुदाय से होता है, मणिपुर की कल्पना वहाँ के रहने वाले आम मानस से होता है। और जब वही नहीं बचेंगे तो हम मणिपुर पर चर्चा कराने के लिए ये तानाशाह प्रधानमंत्री, जो अपने आप को हिटलर शाही प्रधानमंत्री कहता है, वो प्रधानमंत्री सदन में आना नहीं चाहता है। वो कहा जाता है राजस्थान जाता है, वो मध्य प्रदेश जाता है, वो छत्तीसगढ़ जाता है, लेकिन संसद में नहीं आता है, वो सदन का नेता है। आप जानिए देश के प्रधानमंत्री का तानाशाही ये है कि हम 303 सांसदों के पार्टी हैं, तो आप जानिए 430 पार्टियों का सांसद कभी कांग्रेस का भी हुआ करता था और आज कांग्रेस कहाँ है। हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र अगर मजबूत हुआ है तो जनता ने आपके को वोट दिया है तो कुछ उम्मीद से दिया है, आपको बातचीत रखना पड़ेगा। इस देश की सरकार के अंदर अगर मनमता बचा होगा तब तो मणिपुर पे बात करेंगे, ये बेशर्म सरकार है। हम कह रहे हैं कि मणिपुर 2 महीना से जल रहा था और एक समुदाय दूसरे समुदाय का खून का प्यासा बना हुआ था, उसके बावजूद ये डबल इंजन की सरकार जो कहती है अपने आप को ढिढोरा पीती है उसको सुनाई तक नहीं देता। हम ये कह रहे हैं कि क्या दरिंदगी का वीडियो मणिपुर से नहीं आया है? हम कह रहे हैं कि मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो वो मणिपुर का था या नहीं था? अगर मणिपुर का था तो मणिपुर इस भारत का अंग है कि नहीं है? प्रधानमंत्री से मेरा एक ही सवाल। दूसरा सवाल इस देश के राष्ट्रपति से कि क्या अगर मणिपुर उस राज्य का अंग है तो आपके अंदर एक स्पेशल शक्ति है कि किसी राज्य जो नियंत्रित हो जाता है उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए आप स्वतंत्र हैं? आप जानते हैं कि अगर विपक्ष की सरकार होती मणिपुर के अंदर तो अब तक राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता। हम कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्रपति महोदय किस दबाव में है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रही हैं। हम कह रहे हैं कि ये देश बचेगा, ये लोकतंत्र रहेगा, तब हम चुनावी प्रक्रिया में जाएंगे। और हम इस देश के अंदर लोकतंत्र बचाने आए हैं। इस देश के मणिपुर की कल्पना मणिपुर के लोगों से होता है, मणिपुर की कल्पना वहाँ के आदिवासी समुदाय से होता है, मणिपुर की कल्पना वहाँ के रहने वाले आम मानस से होता है। और जब वही नहीं बचेंगे तो हम लोकतंत्र में कैसे जाएंगे? चुनाव में हार जीत लगी होती है, कभी मेरी सरकार होगी तो कभी उनकी सरकार होगी, लेकिन लोकतंत्र बचेगा तब हम चुनावी प्रक्रिया में जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल बाद अगर आदिवासियों के साथ ऐसे नग्न वस्त्र करके घुमाया जाता है सड़कों पे, तो आपको भी शर्म करने की ज़रूरत है और हमको भी शर्मसार होने की ज़रूरत है कि भारत के किस लोकतंत्र में हम बसे हुए हैं। जब एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने आदिवासियों को सम्मान दिया, द्रौपदी मुर्मू जैसे लोगों को हमने सदन में भेजा और उसके अलावा राज्यपाल बनाया और अब राष्ट्रपति बना रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि ये आपका मानसिकता और ये आपका सम्मान खोखलापन सम्मान है। इस देश के अंदर आदिवासियों का सम्मान ये नहीं है। आदिवासियों का सम्मान इस देश के अंदर जो अजमत लूटने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई है। और कारगिल युद्ध का योद्धा कहा कि हम कारगिल के युद्ध में उस पाकिस्तानी टैंक को तोड़ने में सफल हुए, लेकिन ही अपने देश में इस बीजेपी के गुंडों से नहीं बचा पाए। क्या ये लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला बात नहीं है कि जो कारगिल पर लड़ने वाला एक सिपाही कहता है इस देश के अंदर कि हम अपनी बहू बेटियों का इज्जत नहीं बचा सके? और इस पे सबसे बड़ा बात यह है कि आप जानिए कि मणिपुर पे चर्चा कराने के लिए पूरा विपक्ष यूनाइटेड है और सारा विपक्ष कह रहा है कि मणिपुर पे चर्चा होनी चाहिए। हमको तो शर्म की बात यह है कि मणिपुर के माध्यम से जो लोकसभा के सांसद आते हैं वो चुप्पी तोड़ नहीं रहे। हम कह रहे हैं कि आपकी क्या दिक्कत है? आप जब चुनाव होगा तो मणिपुर ही जाइएगा और मणिपुर की जनता फिर आपको चुनेगी, आप बोलिए। हम कह रहे हैं कि इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा। और इसलिए आप जानिए कि मणिपुर पर चर्चा कराने के लिए ये तानाशाह प्रधानमंत्री, जो अपने आप को हिटलर शाही प्रधानमंत्री कहता है, वो प्रधानमंत्री सदन में आना नहीं चाहता है। वो कहा जाता है राजस्थान जाता है, वो मध्य प्रदेश जाता है, वो छत्तीसगढ़ जाता है, लेकिन संसद में नहीं आता है, वो सदन का नेता है। आप जानिए कि मणिपुर पे चर्चा देश में क्या हो रहा है, इससे देश के प्रधानमंत्री को मतलब ही नहीं है, केवल पर विदेश घूम रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री का तानाशाही ये है कि हम 303 सांसदों के पार्टी हैं, तो आप जानिए 430 पार्टियों का सांसद कभी कांग्रेस का भी हुआ करता था और आज कांग्रेस कहाँ है। हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र अगर मजबूत हुआ है तो जनता ने आपके को वोट दिया है तो कुछ उम्मीद से दिया है, आपको बातचीत रखना पड़ेगा। कांग्रेस के भी सांसद अखिल गोगोई उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाता है। हम कह रहे हैं कि विपक्ष ने जानता नहीं है कि प्रधानमंत्री के पास अविश्वास है, लेकिन वो चाहता है कि किसी तरह प्रधानमंत्री सदन में आए और अपनी बातचीत रखे। हम कह रहे हैं कि जब इस देश के अंदर जब प्रधानमंत्री मणिपुर पर नहीं बोलेंगे तो
तो इस देश के अंदर कौन बोलेगा, जिम्मेवारी उनका है और ये सदन के नेता हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन राज्य के तरफ से ये आह्वान किया है कि मणिपुर में जो 21 दल जो गए हैं, जो इंडिया गठबंधन के लोग गए हैं, उनके समर्थन में पूरे बिहार में हम लोग पुतला दहन का काम करेंगे और सरकार से कई मांग करेंगे। आप कितना भी पुतला दहन कर लीजिए, कितना भी प्रतिवाद कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं। होने वाला इसलिए है कि प्रधानमंत्री डर गया है और डरने का एक नतीजा आपको बताते हैं कि सदन में जब कांग्रेस के नेता विश्वास प्रस्ताव लाता है तो ओम बिरला सदन से खड़ा होकर कहता है कि आपके प्रस्ताव को मंजूर कर दिया जाता है। बताइए, उस प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना ये हमारी सबसे बड़ी जीत है और उससे बड़ा जीत ये है कि प्रधानमंत्री चाहते थे कि हम सदन पर ना आए, उनको अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ आना पड़ेगा और बेशक वो सदन में अपनी विश्वसनीयता को पार कर जाएंगे, 303 सांसद उनके पक्ष में खड़ा होगा, लेकिन मुंह खोलेंगे और उसी समय हमारा विपक्ष का नेता जोर लगाकर हल्ला बोलेगा और कहेगा मोदी जी मणिपुर पर भी थोड़ा बोल दीजिए और स्मृति ईरानी जो बिरंगना होगा करती थी, चूड़ी डांस करती थी, वो भी बोलेंगी आप बहुत झजुआ रही हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ आप उनका चमचा बेलचा देख लीजिए, जो एक नाच गाना वाला जो एक सांसद है जो किसी तरह बिहारियों के हवा में चला आया, मनोज तिवारी, वो क्या कह रहा है, उसकी लहजा देख रहे हैं। एक देश का चुना हुआ सांसद का ये तरीका नहीं हो सकता है। हम कह रहे हैं कि पूरा विपक्ष चाह रहा है कि मणिपुर पर चर्चा, मणिपुर के लोग ही हमारे लोग हैं। हम कह रहे हैं कि इस देश के अंदर मणिपुर को गांधी और नेहरू जैसे लोगों ने और इस देश के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने बड़ी मेहनत से उसको भारत का अंग बनाया है और हम मणिपुर को टूटना नहीं चाहते हैं। आप वीडियो में देखे होंगे आज तक के रिपोर्टिंग में, एक समुदाय का लड़का जो अपने स्कूलों का कापी कलम बस्ता बिक कर वो अपना खुद आर्मी बना रहा है। बताइए, इस देश के अंदर पब्लिक तौर पे और सार्वजनिक तौर पे ऐसे आर्मी का आप समर्थन करते हैं? कभी नहीं। जो खून का प्यासा हो इस पे प्रधानमंत्री क्यों नहीं जवाब देते हैं? अगर वो अल्पसंख्यक समुदाय का, अगर कोई मुस्लिम समाज का लोग होता तो उन पे यूनियन UAPL लगा होता कि नहीं होता, बताइए। और वहाँ का बेशर्म प्रधान मुख्यमंत्री जो अपने राजभवन के कोप भवन में बैठा हुआ। अब एक बात और जान लीजिए, अनुसुईया उर्के भी आदिवासी हैं, आप जानिए टेक्निकल। वहाँ का राज्यपाल भी आदिवासी, वहाँ राष्ट्रपति भी आदिवासी, दोनों लोगों का ये मिली भगत है और ये लोग पद के लालच में ये बोल नहीं रहे। हम कह रहे कि अध्यक्ष महोदया, राष्ट्रपति महोदया, आप बोलिए, पूरा विपक्ष खड़ा है, आप एक बार आवाज़ दीजिए, पूरे बिहार को हम लोग चक्का जाम कर देंगे मणिपुर पर चर्चा कराने के लिए। आप राष्ट्रपति शासन लागू करवाइए, इस देश का पूरा विपक्ष का सांसद आपके साथ कंधों से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। हम कह रहे हैं आप हिम्मत को दिखाइए, नहीं तो ये तो समय जाने वाला है, ये काला दिन मिटने वाला है, ये काली बादल मिटने वाली है, लेकिन जब इतिहास इस देश के अंदर लिखा जाएगा तो वहीं आदिवासी समुदाय कहेगा कि जब हमके ऊपर जुर्म हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, ये बर्बर सरकारें जब हमारे ऊपर तानाशाही कर रही थी, तब इस देश के अंदर दलित और आदिवासी राष्ट्रपति कुछ नहीं बोल रहा था। तो हम कह रहे हैं कि और जब हमारा नाम लिखा जाएगा तो कहा जाएगा कि आदिवासियों के ऊपर जब जुर्म हो रहा था तो बक्सर के ISF के ये नौजवान साथी बक्सर के सड़कों पे खड़ा होकर सेव मणिपुर का नारा लगा रहे थे, मोदी को उनका नारा लगा रहे थे, उनको मुर्दाबाद कह रहे थे और कह रहे थे कि इस देश में हिंसा का हम लोग किसी तरह से बढ़ावा नहीं देते हैं और हम लोग कह रहे थे कि मणिपुर पर चर्चा कराइए, मणिपुर भी भारत का अंग है, इस बात को आप समझिए। और इसीलिए हमारा पूरा बिहार के AISFO ने ये आंदोलन करने की हिम्मत जुटाई है और हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद पी संतोष उस डेलीगेट के हिस्सा हैं और वो आएंगे और मणिपुर पे हमको बताएंगे कि मणिपुर। और भी यहाँ तमाम जो लोग जुटे हैं उनसे भी पूछ लेते हैं, मणिपुर में जो हुआ चर्चा, मणिपुर में सुन रहे, आपको क्या लग रहा है, सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए कि नहीं? नहीं, सरकार को आवाज़ उठाना चाहिए, सरकार जो है बहुत चुप लगाई हुई है, जो मणिपुर की घटना हुई है यह बहुत बुरा जनक है। बिहार में भी हो सकता है? हाँ, बिहार में हो सकता है। और भी लोगों से जान लेते हैं क्या कहते हैं, मणिपुर में जो हुआ क्या लग रहा है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए। विरोध कर रहे हैं ये लोग, सही कर रहे हैं गलत? सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। हाँ, करना चाहिए विरोध। हाँ, चलिए जिला मंत्री से लेते हैं।